सीमा सुरक्षा बल द्वारा जिला सांबा के सीमावर्ती गांव गलाड़ में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। सीमा सुरक्षा बल की 48वीं बटालियन द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में स्कूलों के बच्चों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर एक डॉग शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के खोजी कुत्तों की एक टोली ने अपना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों और स्कूलों के बच्चों में भारी उत्साह था और उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के इस प्रयास की सराहना की है। वहीं इस आयोजन को लेकर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद लोगों को सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमाओं की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों के प्रति जागरूक करना था। सांबा से न्यूज जम्मू के लिए अभिषेक बडयाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हुए हम ये सब चीजें आज जैसे इसमें आप देखेंगे कि वेपन गैलरी, म्यूजिक शो, फोटो एग्जीबिशन और साथ साथ में आपको डॉग शो भी दिखाया जाएगा। डॉग शो यहाँ पर जो भी इवेंट है, इन सभी की एक अपनी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे हमें सीखने को, हमारी देशभक्ति के जज्बे को और हमारे लगन और हमारे सेवा भाव को बढ़ाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ में हम छोटे छोटे इवेंट्स के द्वारा हम जो यहाँ सीखते हैं, आप जहाँ भी रहेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचितों के साथ में, अपने सहयोगियों के साथ में ये सब चीज़ें चर्चा करें। और जो हमारे देश का जो बल है, जो समृद्धि है, उसकी आर्थिक जो समृद्धि है, उन सभी में हम कहीं ना कहीं योगदान देते हैं। जैसे यहाँ आपको अभी डॉग शो दिखाया जाएगा। डॉग शो हम तकरीबन सभी पालतू भी रखते हैं डॉग्स। आप उन डॉग्स को कैसे उनको ट्रेंड कर सकते हैं, उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वही डॉग्स हैं, उनको हम कैसे ट्रेंड करते हैं। साथ साथ में जैसा कि अभी जो न्यू चैलेंजेज हैं बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके, जो ड्रोन की जो एक्टिविटीज़ हैं, अभी हमें सबको पता है कि BSF का कार्य क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भी 50 किलोमीटर तक का कर दिया गया है। अभी भी यहाँ पर जैसे अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में जो पाकिस्तान ने ड्रोन्स का यहाँ पर काम शुरू किया और बॉर्डर एरिया पर, तो ड्रोन्स वो भेजते हैं यहाँ पर और कैसे इन्होंने रात को वहाँ पर वो ड्रग्स वगैरह पकड़ी है, हथियार वगैरह पकड़े हैं। तो इसमें हमने हमारे जो यहाँ के लोकल्स हैं, ये तो हमारी सेवा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, पर लेकिन लोकल्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जो हमने इनको बताया लोकल्स को भी कि आप यहाँ पर सीमा के प्रहरी हैं, यहाँ पर रहते हैं और कोई भी जब यहाँ पर कोई ऐसा ड्रोन या कुछ ऐसी हरकत देखें बॉर्डर पर तो इनको BSF को बताएं। तो BSF और बॉर्डर का बहुत ही इनका आपस में सहयोग है। अखिलेश जी हैं हमारे, वो यहाँ पर एडिशनल कमांडिंग ऑफिसर हैं यहाँ पर, तो वो बहुत ही उनका सहयोग रहता है और वो बता रहे थे यहाँ पर कि हमने कैसे यहाँ पर जो 3 आतंकवादी जो पीछे उन्होंने यहाँ पर घुसने की कोशिश की और उनको रात को मारा और उनसे स्पेसिफिकेटेड वेपन्स भी पकड़े। वो पिछले